नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अभिज्ञा यूनिवर्सल रेमेडीज पर। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको मेरी दी हुई वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है कि कैसे आपके सभी बिगड़े काम पूरे हो सकते हैं भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से। जी हाँ, पहले मैं आपसे फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको मेरी दी हुई वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है कि कैसे आपके सभी बिगड़े काम पूरे हो सकते हैं भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे आपको उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके सभी बिगड़े काम पूरे होंगे। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, भगवान श्री हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि वो कलयुग में भी प्रत्यक्ष रूप में अमर रहकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसीलिए जो भी सच्चे मन से भक्त उनकी पूजा आराधना करता है, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पहला उपाय यह है कि आप एक नींबू लेकर और चार लौंग लेकर प्रभु श्री हनुमान जी के मंदिर में जाएं या उनकी प्रतिमा के सामने रखकर उस नींबू में चार लौंग लगाकर प्रभु की प्रतिमा को अर्पित करने के बाद श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दूसरा उपाय यह है कि किसी दिन आप पीपल के पत्तों को तोड़कर उसके ऊपर कुमकुम या फिर सिंदूर या फिर चंदन के साथ भगवान श्री राम जी का नाम लिखकर उसकी एक माला बना लें और उस माला को प्रभु श्री हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होंगी और उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। तीसरा उपाय यह है कि भगवान श्री हनुमान जी को चोला अर्पित करें और उन्हें सिंदूर, जो भी उन्हें अति प्रिय है, सिंदूर के पीछे वो भी और उन्हें सिंदूर जो प्रभु श्री हनुमान जी को अति प्रिय है वो भी अर्पित करें। सिंदूर के पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है। एक बार जब मैया सीता प्रभु श्री राम जी के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो उसी समय प्रभु श्री हनुमान जी उन्हें देखकर उनसे पूछने लगे कि हे माँ, आप ऐसा क्यों करती हो? तो माँ सीता जी ने उन्हें बताया कि मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उनकी प्रेम की प्राप्ति के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। प्रभु श्री हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु श्री हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या हर स्त्री अपने पति अपने स्वामी के लिए यह कार्य करती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। उसी दिन से भगवान श्री हनुमान जी ने अपने ऊपर, अपने सारे शरीर के ऊपर सिंदूर लगा लिया, क्योंकि वह कहते थे कि मैं तो अपने प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो हे भक्तों, यह सभी कार्य करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके अलावा जब भी आप पूजा करने बैठें तो कृपया, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो कृपया भगवान श्री राम जी को सबसे पहले याद करें, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम जी के भक्त थे और आज के समय में भी जब कहीं जहाँ भी श्री रामायण जी का पाठ होता है वहाँ प्रभु हनुमान जी किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियोस लेकर मैं आपके पास लौटता रहूँगा। आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार इसी तरह मुझे देते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।